మధుర సాయి దివ్య సందేశ్ మధుర మధుర సాయి దివ్య సందేశ్ భవసాగర తారకా దివ్య సందేశ్ సాయి సందేశ్ దివ్య సందేశ్ प्रेम वाहिनी अध्याय 15 संस्कारों के अनुसार जीवन एक यात्रा है। लोग अनेक कार्यों में मग्न रहते हैं और वे विभिन्न कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं, पर यह सर्वविदित तथ्य है इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि कभी कभी व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि अपने दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए बहुत ही छोटी प्रतीत होती है। खाना पीना अध्ययन चलना बैठना, इसके अतिरिक्त कल्पना करना, घृणा करना, शेखी मारना, प्रशंसा करना, रोना हंसना, आशा और निराशा करना, सभी प्रकार के अनंत कार्य चलते रहते हैं। जीवन की अवधि इनसे परिपूर्ण रहती है। ये सब कार्य मस्तिष्क से निकट संबंध रखते हैं। इससे जीवन संस्कारों का समुच्चय बन जाता है, जिसका प्रभाव चरित्र और व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अच्छे और बुरे दो प्रकार के कार्य होते हैं। इन दोनों के ही मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। शैशवावस्था में बालक के द्वारा किए गए कार्य उसके द्वारा स्लेट पर लिखे गए लेख की तरह धुंधले होकर अदृश्य हो जाते हैं। बालपन की घटनाएं जब इस प्रकार विस्मरण के क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, तो विगत जीवन की घटनाएं स्मृति में कैसे रक्षित रह सकती हैं? इस बात को छोड़ भी दें तो भी ये परिणाम निकालना कि स्मरण रहने वाली घटनाएं ही घटी हैं और केवल उन्हीं का चरित्र के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, भ्रम से पूर्ण है। जो क्रियाएं और घटनाएं घटित होकर विस्मृत हो गई हैं और उनकी परवर्ती घटनाओं ने उन्हें पीछे ढकेल दिया है, उन्होंने भी मस्तिष्क पर अपना प्रभाव और छाप छोड़ी है। उनका अवशिष्ट वहां विद्यमान है। जब दिन भर की घटनाओं को सोने के समय तुम स्मरण करने की चेष्टा करते हो, तो प्रत्येक उपेक्षणीय और अनुपेक्षणीय घटना याद नहीं आवेगी। जो सार्थक हैं, जो गहराई से अंतरतम में प्रविष्ट हो गई हैं, केवल वे ही स्मरण की जा सकती हैं। जब एक दिन की घटनाओं का ये हाल है कि जो घटनाएं आनंदप्रद अथवा कष्टप्रद नहीं हुई हैं, उन सबको हम भूल जाते हैं, तो गत सप्ताह, माह अथवा वर्षों की घटनाओं के संबंध में क्या कहा जा सकता है? केवल प्रमुख घटनाएं ही स्पष्टता से अंकित रह जाती हैं, शेष धूमिल होकर पीछे होती जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। यही कुछ घटनाएं संस्कार के रूप में रह जाती हैं। अगणित कार्यों को करते हुए, विस्तृत अनुभव और ज्ञान संचय करते हुए, विभिन्न व्यापक क्रियाकलापों से विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हुए, मानव अपनी पूंजी में केवल उन 4 या 5 को जो शक्तिमान, महत्वपूर्ण और जिनकी जड़ें गहराई तक गई हुई होती हैं, संचित रखता है। जीवन के व्यापार में व्यस्त मानव इन्हीं संस्कारों को अर्जित करता है। एक व्यापारी सप्ताहांत, मासांत या वर्ष के अंत में आय व्यय का लेखा एकत्र कर अपना तलपट तैयार करता है। केवल एक संख्या ज्ञान करने के लिए कि उसने क्या उपार्जित किया है। इसी प्रकार इस जीवन के व्यापार में भी हर वस्तु का पर्यायवसान सभी लेना देना चुकाकर अवशिष्ट कमाई के रूप में रह जाता है। यह क्षुद्र राशि जो बच जाती है स्मृति में आएगी। वे 2-3 अनुभव जो अंतिम क्षण तक स्मृति में, चेतना में अटके रहते हैं, जबकि वो जीवन भर की घटनाओं को स्मरण करने का प्रयास करता है, वे ही वास्तविक सहारा, असली उपलब्धियां होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि शेष अन्य कार्य और अनुभव व्यर्थ हो जाते हैं। उनका विस्मरण सूचित करता है कि उनका कार्य पूर्ण हो गया है और उनका मूल्य चुकता कर दिया गया है। जब हजारों रुपयों का व्यापार किया जाता है, तो कुछ हजार रुपयों का घाटा हो जाने पर व्यक्ति का दिल बैठने लगता है। जब कुछ हजार का लाभ होता है, तो हृदय आनंद से उछलने लगता है। जीवन व्यापार की भी यही कहानी है। यदि मृत्यु के समय किसी की इच्छा
जिह्वा के स्वाद पर जाती है तो ये प्रमाण है कि जीवन भर उस पर जिह्वा हावी रही है। यदि मृत्यु की घड़ी आने पर स्त्री को बच्चे का स्मरण हो आता है और वो उसे दुलारना चाहती है तो शिशु प्रेम का संस्कार उसके जीवन में प्रबल रहा होता है। इससे सिद्ध होता है कि अन्य अनुभव विस्मृति के क्षेत्र में ठेल दिए गए हैं। इस प्रकार जीवन के संस्कारों में से कुछ एक जो अन्यों से प्रबल होते हैं अंत तक विद्यमान रहते हैं। जीवन ऐसा ही होता है, इसे स्मरण रखना चाहिए। इस समस्त जीवन और कठिन परिश्रम का ठोस परिणाम वही समझना चाहिए जो जीवन के अंतिम क्षण में याद आता है। इसलिए जिस सर्वोच्च संस्कार का तुम अंतिम क्षण में स्मरण करना चाहो उसी संस्कार की प्राप्ति के लिए जीवन की समस्त शक्ति प्राणपण से जुटे रहो। रात दिन अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखो। जो भावना मृत्यु के समय प्रबल रहती है वही अगले जन्म में प्रबल रूप से सक्रिय रहती है। इस जीवन यात्रा में भी मनुष्य को इसी सत्य मार्ग से दर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही इस जीवन यात्रा के पाथेय होते हैं और अगली यात्रा में भी उन्हीं का संबल रहता है। इसलिए आगामी कल से स्मृति के नेत्र के समक्ष सदा मृत्यु को रखो, जो कि अटल है, और जीवन यात्रा में भी सभी के लिए शुभकामनाओं, सत्यनिष्ठा, सत्संग और भगवान पर दृष्टि जमाए रखो। दुष्कर्मों से बचते हुए जीवन बिताओ। घृणित और हानिप्रद विचारों से दूर रहो और संसार में लिप्त मत रहो। यदि तुम ऐसा जीवन बिताओगे तो तुम्हारे अंतिम क्षण पवित्र, मधुर और भगवत कृपा से पूर्ण होंगे। जीवन भर अनुशासित प्रयास में संलग्न रहना इस पूर्णाहुति और पूर्णत्व प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। मन को शुभ संस्कारों की ओर लगाना होता है। प्रत्येक को कठोरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने दोषों और कमियों का अन्वेषण कर उनको दूर करने का प्रयत्न और संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य जब अपने दोषों का अनुभव कर उन्हें खोज लेता है तो ये पुनर्जन्म के समान होता है। वो पुनः नए जीवन का श्रीगणेश करता है। उसका बचपन पुनः प्रारंभ होता है। नवचेतना के वास्तविक उदय की यही घड़ी होती है। मृत्यु प्रतिपल जीवन का पीछा कर रही है, परंतु फिर भी मानव मृत्यु शब्द को ही सहन नहीं कर पाता है। इस शब्द का सुनना भी अशुभ माना जाता है, चाहे ये शब्द कितना ही असह्य क्यों न हो। प्रत्येक जीवधारी प्रतिपल इसी की ओर दौड़ रहा है। एक यात्रा पर जाने को कृत संकल्प, टिकट खरीदकर जेब में रखकर जब तुम रेलगाड़ी में बैठ गए हो तो ये यात्रा होएगी ही, चाहे तुम खड़े रहो या बैठ जाओ, या लेट सको तो लेट जाओ, पढ़ो या चुपचाप ध्यान करते रहो, रेलगाड़ी तुम्हें गंतव्य स्थान की ओर ले जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवधारी को जन्म के समय ही मृत्यु का टिकट दे दिया जाता है, वो यात्रा पर चल देता है। अतः तुम चाहे जितना प्रतिरोध करो और सुरक्षा के साधन बढ़ा लो, सावधानी बरतो, तुम्हें उस स्थान पर किसी न किसी दिन अवश्य पहुंचना ही पड़ेगा। जीवन में कुछ में भी शंका या अनिश्चितता हो सकती है, परंतु मृत्यु आएगी ही, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। इस कानून में परिवर्तन असंभव है। मानव ने आंख, कान, जिह्वा को नित नूतन अनुभव करने की कुवृत्ति डाल दी है। अब उन्हें ठीक इसकी उल्टी प्रवृत्ति में प्रशिक्षित करना है। मन को श्रेय की ओर प्रवृत्त करना है। उसी दृष्टिकोण से प्रतिपल के कार्यों की जांच करते रहना है। ऐसा प्रत्येक कार्य छैनी हथौड़ी की एक चोट के समान मानव रूपी चट्टान में से एक व्यक्तित्व को निखारता है। गलत चोट इस मूर्ति को खंडित अथवा विकृत भी कर सकती है। इसलिए नन्हे से नन्हा कार्य भी बड़ी सावधानी और भक्ति भावना से किया जाना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा भी कभी कभी उबार ले जाता है। इसी प्रकार संस्कार के समुद्र में गोते खाते हुए व्यक्ति को किसी के बोले हुए कुछ कल्याणकारी शब्द भी बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कोई भी सत्कार्य व्यर्थ नहीं होता है, न ही एक असत्य कार्य का लेश मात्र भी अपना अमिट प्रभाव रहता ही है। इसलिए असत्य कार्य को लेश मात्र भी अपने द्वारा न होने दो। अपने नेत्रों को पवित्र रखो, अपने कानों को भगवान के वचनों और भक्ति के कार्यों की कहानियों से
सदा परिपूर्ण करते रहो। उन्हें पर निंदा सुनने का कभी अवसर न दो। जिह्वा को दयालुतापूर्ण सत्य और मृदु वचनों के लिए प्रयोग में लाओ। ये तुम्हें सदा भगवान का स्मरण कराती रहे। ऐसे निरंतर प्रयास से तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ऐसे पवित्र संस्कारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सदा उच्च विचार, उदात्त भावना की धारा को निरंतर निर्बाध रूप से प्रवाहित करते रहना चाहिए। हाथों का सत्कार्य के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। हृदय में भगवान का नाम और बाहर स्वधर्म का आचरण चालू रहना चाहिए। हाथ पैर सेवा में व्यस्त रहें और मन इन सब में भटकता रहे तो भी कुछ हानि नहीं है। जब पहाड़ों की चोटियों पर वर्षा होती है तो समस्त वर्षा जल नीचे की ओर बह आता है, इससे कोई नदी नहीं निकल पड़ती है। जब किसी प्रकार जल एक ही दिशा में बह निकलता है तो पहले एक सोता, फिर एक धारा, फिर एक तीक्ष्ण धार और अंत में एक उफनाती नदी का रूप बन जाता है और वो वर्षा का जल समुद्र तक पहुंच जाता है। चारों दिशाओं में बहने वाला जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और लुप्त हो जाता है। संस्कार भी इसी प्रकार के होते हैं। यदि वे आते जाते रहते हैं तो उनका उपयोग ही क्या होता है? आज इधर तो कल उधर। शुभ संस्कारों की पवित्र धार पूरी तौर से भरी हुई अविचलित गति से पवित्र विचारों के क्षेत्र में से बहती हुई मृत्यु की घड़ी आने पर अंतिम रूप से आनंद सागर में लीन हो जाए। जो इस लक्ष्य तक पहुंच जाता है वो वास्तव में योग्य और प्रशंसनीय है। संभव है एक शिलाखंड को हथौड़े की 20 चोटें न तोड़ सकें और 21वीं चोट पड़ते ही वो टूट जाए, परंतु क्या इसका अर्थ है कि पहले 20 चोटें व्यर्थ गईं? नहीं, उन 20 चोटों में से प्रत्येक ने अंतिम सफलता को समीप लाने में अपना योगदान दिया है। उन 21 चोटों का संयुक्त परिणाम सफलता के रूप में व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार मन भी संसार से संघर्ष में रत है। ये संघर्ष अंतः और बाह्य दोनों प्रकार का है। ये कहना अनावश्यक है कि सफलता सदा ही तुम्हारे भाग्य में नहीं होती है, परंतु मनुष्य स्थायी आनंद सत्कार्यों में संलग्न रहकर और मन को भगवान संबंधी विचारों से संपृक्त रखने से प्राप्त कर सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को उस दिव्य प्रेम से संयुक्त कर दो, तब दुष्ट प्रवृत्तियां आपके पथ को अवरुद्ध करने का साहस न कर सकेंगी। क्योंकि उस दशा में मनुष्य का मन सदा भगवान से संयुक्त रहने लगता है, वो स्वभावतः सत्कार्यों की ओर ही आकर्षित होता है। सभी साधना का एक ही लक्ष्य मन का विनाश होता है, तो किसी न किसी दिन किसी सत्कार्य को इस मन के विनाश करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 21वें प्रहार में शिला टूट गई। इस विजय के लिए भूतकाल में किए गए सभी सत्कर्मों ने योगदान दिया। हर नन्ही से नन्ही क्रिया का महत्व होता है। कोई सत्कार्य व्यर्थ नहीं होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष करते हुए तुम स्वयं परमेश्वर को ही अपना त्राणकर्ता मानो। बच्चे में साहस उत्पन्न करने के लिए मां उसे कुछ पग चलाकर लौटने को फुसलाती है, परंतु वो बच्चे को किसी भी दशा में गिरकर चोट खा जाने से बचाती रहती है। यदि वो लड़खड़ाकर संतुलन खोने लगता है, वो पीछे से झपटकर उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। ईश्वर भी जीव पर अपनी निगाह रखता है। वो मानव रूपी पतंग की डोर अपने हाथ में लिए रहता है। वो कभी इस डोर को खींचता है, कभी ढील देता है, परंतु वो चाहे जो करे सदा आश्वस्त और निश्चिंत रहो, क्योंकि डोर तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों में पकड़ रखी है। ऐसा विश्वास सदा रहने से, ऐसी भावना संस्कार रूप में घनीभूत हो जाने से तुम्हें प्रेम रस की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रेम और कृपा का संबंध ही डोर है। जीव रूपी पतंग इसी के द्वारा ईश्वर से संबंधित है। तुम्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि शुभ कल्याणकारी संस्कारों का निर्माण हो, जिससे प्रेम और हरि कृपा के बंधन दृढ़ से दृढ़तर होते जाएं। संस्कारों के द्वारा ही जीव का उत्थान पतन होता है। उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा सभी जीव अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। संस्कारों के द्वारा ही जीव हानि और
शोक सहन कर पार निकलने में समर्थ होता है, शुभ संस्कारों से ही मानव भगवान को प्राप्त कर पाता है। इसलिए प्रत्येक जीव को सत्कर्म में पूर्ण रूपेण व्यस्त रहना चाहिए। सत्कर्म ही प्रमाणित पूजा है, भगवान को स्मरण करने का यह सर्वोत्तम ढंग है, यही सबसे उच्च कोटि का भजन है। इससे बिना किसी भेदभाव और मतभेद प्रेम का प्रसार होता है। जो कार्य जीव कर्तव्य भावना से करता है वही सेवा होती है। ऐसे कर्मों में सदा संलग्न रहो, भगवान के चिंतन में निर्बाध रूप से आनंदित हो। जिस लक्ष्य पर तुम्हें पहुंचना है ये राजपथ वहीं को जाता है। जय साईं राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।